सो गाइस व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे सब लोग। तो गाइस आज मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। जिस इस की वीडियो में एक गेम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डूड थे वार। तो गाइस ये GTA 5 की सस्ती कॉपी है एंड्रॉयड की, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। अगर भाई आप एंड्रॉयड यूज़ रहे हैं तो आपको अगर ऑफलाइन एडवेंचर एक्शन मतलब GTA 5 जैसी गेम्स खेलना पसंद है तो ये गेम आपके लिए है। मतलब इस गेम को लॉन्च हुए तो 2 साल हो चुके हैं पर ये बहुत अच्छी है। मतलब बहुत से जानों को अब पता नहीं होगा इस गेम के बारे में। तो आप अगर इसके मतलब सेटिंग देखते हैं तो जहाँ पर जायरोस्कोप की ऑप्शन भी मिल जाती है, स्लो मोशन के ऑप्शन मिल जाती है जैसे आपको GTA 5 में मिलती है। शो मतलब FPS हम शो कर लेते हैं, सेंसिटिविटी तो हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और भाई अगर हम वीडियो मतलब इसमें जो हम करेक्टर की बात करते हैं जो हमें मिलते हैं तो वहाँ पर 3 करेक्टर होते हैं जैसे भाई GTA 5 में होते हैं माइकल जैक्सन एंड ट्रेवर। तो यहाँ पर हमें माइकल भी मिलता है, जैक्सन भी मिलता है और ट्राइवर भी मिलता है। तो हमें पहला करेक्टर हमें जैक्सन मिलेगा, दूसरा माइकल मिलेगा और जो दूसरे को माइकल को हम चलाने के लिए हमको मिशन करने पड़ेंगे और तीसरा भी कमिंग सून है जो ट्राइवर है। तो हम पहला माइकल को मतलब जैक्सन को उठा लेते हैं। और भाई यहाँ पर इसकी लोडिंग स्क्रीन हम देख सकते हैं वैसी मतलब जैसे GTA 5 में होती है वैसे होती है। और अब जो इसके जो करेक्टर इसके घर देख सकते हैं बहुत मतलब अच्छा सा ही है, इतना ठीक ठाक सही है। मतलब इतना बढ़िया भी नहीं इतना घटिया भी नहीं। जहाँ पर हमें स्विच भी मिलती है, लाइट को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, वेपन भी हमें मिल जाती है, ग्रेनेड्स वेपन्स गन्स वगैरह, कार्नेटेड भी मिल जाती है, पिस्टल मिल जाती है, स्कार मिल जाती है और शॉट गन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम जो अपनी मनी है वो हम फेंक भी सकते हैं, जैसे मैं फेंक कर दिखा देता हूँ तो इस मनी को हम उठा भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठा भी सकते हैं जैसे भाई ये मैं उठा कर दिखा देता हूँ। ये मतलब बहुत अच्छी मतलब गेम में एक मतलब अच्छा सा काम किया है डेवलपर ने। यहाँ पर हमें TV मिल जाता है, बाकी का सामान मिल जाता है। तो अगर हम बाहर चलते हैं तो बाहर भी बहुत अच्छा मतलब एरिया इन्होंने बना कर रखा है। बहुत बड़ा मतलब इसका मैप है, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। हमें भाई घर के बीच में एक गैरेज मिल जाता है जिसमें हमने एक गाड़ी खड़ाई हुई है और ये आसपास भी जो ये गैरेज मिल जाते हैं। तो इसमें हमें मोबाइल भी मिल जाता है, इसमें डबर कार्स होती हैं जो भाई बहुत मतलब पेड होती हैं जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। ये सभी आपको परचेज करनी पड़ेंगी अपनी रियल मनी से। तो इसमें 2 नॉर्मल मनी से में होती हैं जो आपकी गेम की मनी है वो ऐसे ही हम 2 खरीद सकते हैं। जैसे भाई ये कार होगी, ये चेयर होगी, इसको हम मतलब गेम की मनी से आप खरीद सकते हैं। दूसरी तो भाई आपको रियल मनी से खरीदनी पड़ेगी। तो ये तो भाई ये गैरेज हो गया, दूसरा वो वाला गैरेज, ये आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो कार खड़ी हैं ये आर्मी व्हीकल्स है, ये बहुत मतलब मुश्किल से मुझे उठाकर मुझे ले आनी पड़ेगी थी। 3-4 गेड़े लग गए थे मुझे, एक बारी तो मैं मरा भी था। तो कोई भी हम आप घर में भी जाकर आप कुछ भी आप मतलब उसमें उठा कर ले आ सकते हैं। जैसे भाई ये ड्रम भी बीट आप बजा सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं। ठीक है, अंतर आप दिखा देता हूँ, बेड बोर्ड पड़े हैं इस कार में। तो ये मतलब नियर हुड का घर था जो हमारे नियर रहते हैं उसकी। ठीक है, तो ये बंदा जा रहा है और इसको आप कैसे मारना है ये, अगर भाई बंदा कोई खतरनाक है तो आपको पहले ये वाला बम सेटना होगा, उसके बाद ये मतलब को भी वीकपन से आपको मारना होगा। तो जैसे मैं ये इसके साथ आपको मार देता हूँ। अब भाई ये मर चुका है और हमें 1 स्टार हमारा लग चुका है और ये यहाँ पर हमें पुलिस आई। ठीक है, तो ये आ चुकी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये अरेस्ट हमें कर सकती है। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं जैसे भाई ये लोडिंग होगा, नहीं तो हमें मारना पड़ेगा पुलिस को, नहीं तो हमें दूर भागना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम भाई कोई भी पुलिस को मार देते हैं तो इसकी जो मनी है वो नीचे फेंकी जाती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने मनी उड़ती उड़ती उठा ली थी। ठीक है, आगे भी हम उठाएंगे वैसी बंदों को मार कर, मतलब जहाँ पर हमें बंदों को मतलब डेड बॉडी भी हमें मिल जाती है उठा करके थी दूसरी जगह सेटने के लिए। जैसे अब मैं हाथ का इस्तेमाल करके इसकी और डेड बॉडी है जहाँ पर फेंक देता हूँ इस घर में। तो ये दूसरा एक पुलिस वाला आ गया तो इसको भी हम फोटेंगे, पर हम दूर चले जाते हैं तो जिसके कारण हम अरेस्ट ना हों और हमें टाइम मिल जाए। तो ये बहुत दूर हम आ चुके हैं उस मतलब पुलिस वाले से। तो मतलब इसमें ये एक अच्छी बात है, इसमें हम पानी में भी चल सकते हैं। ठीक है, पानी के बीच भी हम मरेंगे नहीं और इसमें कोई भी आप व्हीकल उठाकर चला सकते हैं। जैसे कोई भी खड़ी हो जाए, फिर कोई भी व्हीकल चल रही है उसके मतलब इस जहाँ पर हमें खेत भी मिल जाते हैं, पवन चक्की हैं, ऊपर वाइंड मिल्स
वैसे ही मतलब बहुत दूर आप चल जाते हैं, तो जितनी आप दूर जाएंगे पुल्स के उसके मतलब आपको मतलब सेपिंग का समय मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर देख सकते हैं कि मेरा रेड था, अब ब्लू होने लग गया है जल्दी से, और ये हम पुलिस के छुटकारा पा चुके हैं, ठीक है। वैसे ही उसके बाद अगर भाई आपके पास कोई भी मनी है, नहीं है, आप दूर जगह पर हैं जहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आती है, तो पहले आप गेम को सेव कर लेना। जब भी आप गेम को बंद करेंगे तो जहाँ पर हमें चीट्स की ऑप्शन मिल जाती है, तो चीट जैसे मेरा भाई अब डे था और हमने नाइट करनी है, तो नाइट की चीट भरी है NIGHT, तो ये नाइट हो गई, ठीक है। और अगर भाई नाइट है आपको डे चाहिए, तो हम जहाँ पर चीट भर लेते हैं डे, सॉरी है ये थोड़ा गलत हो गया मुझसे, तो डे हमने भर लिया गया है और डे आ गया। तो उसके बाद जहाँ पर चीट है टैक्सी का, जैसे भाई मैं स्पेलिंग भरूँ आपको वैसे ही भरने होंगे, जैसे ए टैक्सी हमने भर चुका है, तो जहाँ पर ए टैक्सी आ चुकी है हमारी ए टैक्सी। अब जितनी टैक्सी चाहे वैसे मतलब उतनी मंगा सकते हैं इसमें, बस चीट आपको वैसे ही भरनी होगी, ओके कर ही जाना है, ठीक है। जहाँ पर हमें चार टैक्सी मिल चुकी हैं, एक हम उठा लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर हमें एक शॉप भी मिलती है जहाँ पर हम कार को बेच सकते हैं। तो वैसे जो भाई डबर कार्स होती हैं जो हमें मतलब इसमें जो रियल मनी से खरीदी जाती हैं, तो वो हम वैसे मनी से भी खरीद सकते हैं, और जहाँ पर अलग अलग एरिया में भी वो डबर कार्स पड़ी होती हैं, तो उनकी जो मतलब वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। तो भाई अगर आप बेचेंगे तो मतलब 600 या $700 आपको मिले ही जाएंगे, ठीक है, गेम के अकॉर्डिंग। उस कार को आप भाई अपने गैरेज में भी मतलब डर सकते हैं, और जहाँ पर हम एक शाम में घुस चुके हैं जहाँ पर हमें इसके पैसे उठा लेते हैं और इसको मार देते हैं, ठीक है। तो इसको मारने के लिए हम ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेनेड्स कहाँ गया, तो हम इसे मतलब जब भी हम मारेंगे तो ये भागने लग जाएंगे। तो ये तो भाई आ गया पकड़ में, और जिसकी ये लाश पड़ी हुई है इसके पैसे तो अंदर होंगे, भाई कहाँ गए, चलो नहीं मिले, कोई बात नहीं, किसी किसी के बंदे के नहीं भी मिलते हैं। ये टॉयस की शॉप होगी, इसको भी हम पट से हेडशॉट देंगे शॉट गन से, जी चलो पट से हेडशॉट। तो मतलब एक स्टार फिर से पड़ चुका है और ये पुलिस आ चुकी है फिर से हमें मारने के लिए, इसके भी पट से हेडशॉट। तो ये इसकी जो मनी है ये आ चुकी है हमारी, ये इसकी मनी तो हम उठा लेते हैं। तो भाई इस $24 हमारे पास आ चुका है इसका, तो ये भी पुलिस वाला आ चुके हैं, बहुत तंग करते हैं ये। तो हम कोई भी मतलब इसमें शॉप होती है यहाँ पर उठ मतलब जा भी सकते हैं, कोई भी शॉप में भाई पैसे भी पड़े होते हैं, ठीक है, उठा के आप भाग सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई ये व्हीकल होगी इसे हम उठा लेते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, शॉपिंग पता नहीं शॉपिंग ट्रेल है या कुछ नाम होता है इसका, वो भी हम उठा लेते हैं। तो भाई जो ये वाला घर है ये अभी अभी बनाया है, ये पता नहीं अगला हम कोई मिशन करेंगे उसमें होगा, ठीक है। तो अभी मैंने इतने मिशन नहीं करी है माइकल के लिए। ये भाई टैब चला रहे हैं, अरे घूमने आए हुए हैं या फिर टैब चलाने आए हूँ। तो गैस ऐसे बंदे आपको बहुत मतलब जगह पर मिल जा रहे हैं ऐसी मतलब। अगर गैस ये भाई पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे, तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला मतलब एपिसोड भी आएगा, वो आएगा कमिंग सून पर।